शराब की दुकानें खोलने का सरकार का फैसला कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई को कमजोर करता दिख रहा है। पहले ही दिन बड़ी संख्या में मदिरा प्रेमी शराब खरीदने बाजार पहुंच गए, जिस कारण बाजार में अव्यवस्था फैल गई। भारी भीड़ को तितर बितर करने के लिए बागेश्वर पुलिस को लाठियां भाजनी पड़ी। पुलिस उपाधीक्षक महेश जोशी व प्रभारी कोतवाल खष्टी बिष्ट ने शराब की दुकानों के सामने मदिरा प्रेमियों को खदेड़ते हुए उनसे लाइन में लगने की अपील की। बाद में पुलिस अधीक्षक रचिता जुयाल के निर्देश पर शराब की दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था बहाल की गई। इधर जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने भी शराब की दुकानों के बाहर फैली अव्यवस्था पर नाराजगी व्यक्त करते हुए आबकारी अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि वो इस संबंध में कार्रवाई करें। पहले से ही पुलिस को बताया गया है और ये चूंकि काफ़ी दिनों के बाद ये रियायत मिली है, क्योंकि ग्रीन जोन बागेश्वर ग्रीन जोन में आता है, इसलिए सरकार ने कुछ छूटें दी हैं। उसी छूट में ये जो मध्य की दुकानें हैं, शराब की दुकानें हैं, उनको भी टाइमिंग फिक्स की गई है, वो भी एक निश्चित टाइम में खुलेंगी। तो बहुत दिनों के बाद दुकानें खुलने के कारण आज काफ़ी भीड़ है, बाजार में भी काफ़ी भीड़ है और ठेके में भी काफ़ी भीड़ है। तो सुबह से यहाँ फोर्स लगा रखा है और हम लोग टैकल कर रहे हैं इनको। इनको बताया जा रहा है कि कम से कम 6 फीट की दूरी रखें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के मध्य में। इसका जो पालन नहीं करेंगे, जो नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम कठोर कार्रवाई कर रहे हैं और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो मुकदमा भी दर्ज करेंगे। एक लोगों ने सर एक भ्रम ये भी है कि शायद दुकान आज ही आज खुलेगी, उसके बाद शायद बंद हो जाएगी, तो इससे भी ज़्यादा भीड़। हाँ, ये भ्रम की स्थिति लोगों में बनी होगी, इसलिए ज़्यादा भीड़ है, लेकिन ऐसा है नहीं। चूँकि आज के बाद रियायत दी गई है तो रियायत काफ़ी आगे तक चलेगी, जब तक सब सामान्य रहेगा कोई दिक्कत नहीं। भीड़ को तितर बितर करने के लिए कुछ लाठियाँ भाजनी पड़ी सर? हाँ, निश्चित बात है, भाजेंगे। अगर ये सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करेंगे या इस तरह के जो कानून के विरुद्ध काम करेंगे तो हमें अगर बल का प्रयोग करना पड़ेगा तो हम बल का प्रयोग करेंगे। CCN न्यूज़ के लिए सुष्मिता थापा के साथ सुरेश पांडे की रिपोर्ट।